सो वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग जैसा हमने प्रॉमिस करा था कि कल हम आपको या तो गिर या फिर जूनागढ़ का एक टूर दिखाएंगे। सो हम आ गए हैं फाइनली गिर फॉरेस्ट या गिर नेशनल पार्क, जो कि फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। और हमारी जो सफारी की टाइमिंग है वो दोपहर के 3 से शाम 6 बजे का हमारा स्लॉट है। तो अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उस सफारी से पहले आपको हम अपने रिसॉर्ट का टूर दे दें। जैसे कि आप जब भी अगर कभी गिर का प्लान करते हैं तो आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में देंगे। सो आप जैसे ही जूनागढ़ से गिर की तरफ आते हैं, तो रास्ते में जैसे ही आप शासन गिर की तरफ पहुँचने वाले होते हैं, हिरन रिवर से पहले ही आपको बहुत सारे रिसॉर्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आप उनमें से कोई भी बुक कर सकते हैं। और हम जहाँ पर रुके हुए हैं ये बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है और जो गिर फॉरेस्ट है उससे सटा हुआ है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जंगल वाला फील आएगा। इनके अपने आम के बाग भी हैं जहाँ पर भी आप घूम सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिसॉर्ट है। और इसका नाम है द गिर लायन। हम इसका कॉन्टैक्ट नंबर और रिसॉर्ट ओनर का नाम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप बुक करना चाहें तो आप इसको बुक कर सकते हैं। तो चलिए आपको फटाफट एक इस गिर लायन का हम आपको टूर देते हैं, आइए। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और ये एंट्रेंस पूरा लंबा आगे तक गया हुआ है। इधर भी इनकी ही ये पूरी फील्ड पड़ी हुई है, जिसमें ये पूरा रिसॉर्ट के अंदर का ही एरिया है। जो आप फेंसिंग देख रहे हैं वहाँ से लेकर ये पूरा रिसॉर्ट का ही एरिया है, तो यहाँ से एंट्री होती है। दिस इज़ द मेन एंट्री। अब चाहिए अंदर चल। इधर आप राइट साइड पे देख रहे होंगे ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये कॉटेजेस हैं जो कि अभी इन फ्यूचर रेडी हो जाएंगी स्टे के लिए, तो काफ़ी स्पेशियस भी हैं आप, लेकिन जब हो सकता है जब आप प्लान करें तब तक ये रेडी भी हो जाए। आगे चलिए, हम आपको जो अभी एक्चुअल यूज़ में है उनके बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन एंट्रेंस के बाद ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर आपको चेक इन के टाइम पे कोई ना कोई अवेलेबल मिलेगा, जो यहाँ के मैनेजर है वो भी रहेंगे। और जो मेरे पीछे आप रूम देख रहे हैं ये डीलक्स कॉटेज है, एसी है, और इसके चार्जेस 4000 पर कपल हैं। और इसके अलावा जितने भी रूम्स अभी यहाँ पर हैं वो सारे नॉन एसी कॉटेजेस हैं, जिसका भी हम आपको अभी डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं कि वो कैसे हैं। और उनके जो चार्जेस हैं वो 3000 पर कपल हैं। सो आइए आगे चलते हैं और वो वाले जितने भी कॉटेजेस हैं या रूम्स हैं उनका भी आपको पूरा व्यू, एक इनसाइड टूर आपको क्लियरली वहाँ पे हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, दो कैटेगरी के हैं यहाँ पर जो एकोमोडेशन है। पहला ये रूम वाला है जिसमें अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, और दूसरा टेंट्स का है जो कि मेरे राइट साइड पे है। हम अभी वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे, बट पहले रूम्स का टूर करा देते हैं, आइए। ये देखिए दो रूम्स हैं, और अच्छे स्पेशियस रूम है, पर कपल के लिए बहुत बढ़िया डेकोरेट करके भी रखा हुआ है। यहाँ पे वॉशरूम है, अच्छा वेल मेंटेन वॉशरूम है। उसी के बगल में सिमिलरली वैसा ही एक दूसरा रूम भी है। इसमें भी अटैच बाथरूम है आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये देखिए, तो
तो दोस्तों अभी आपने देखे जो रूम्स थे जो कि डीलक्स थे, एसी थे और नॉन एसी दोनों तरह के थे। अब हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे कॉटेजेस हैं और टेंट हैं, वो भी नॉन एसी ही हैं, बट वो थोड़ा सा एग्जॉटिक फील देते हैं क्योंकि एक तो जंगल में है और टेंट हैं तो उनमें रहने का भी अपना एक अलग फील है। सो अगर आप वो लेना चाहते हैं एग्जॉटिक व्यू तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरी बाईं तरफ ये टेंट है जिसकी कॉस्ट मैंने बताई थी 3000 पर कपल है। सो बाहर से ऐसा दिखाई देता है, अभी आपको अंदर से अपने टेंट का भी टूर देंगे। दोस्तों वो देखा आपने टेंट, और सिमिलरली टेंट के बगल में ही ये कॉटेज है। इन कॉटेजेस में भी दो रूम्स हैं अगल बगल, और बाहर भी एक पोर्शन है जिसमें आप के लिए खाट भी पड़ी हुई है, चेयर्स भी पड़ी हुई है, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। बहुत ठंडी ठंडी पेड़ की हवा भी आती है। आइए आपको अंदर रूम भी दिखा देते हैं। दोनों रूम सिमिलर ही हैं और काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। टाइलिंग कर रखी है नीचे फ्लोर पर, और ऊपर जो सीलिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। ये एक ओपन पोर्शन है, ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं जैसे बारिश वारिश हो रही हो। और ये अंदर है पूरा रूम, डबल बेड है और काफ़ी स्पेशियस रूम है। आप आराम से, नॉन एसी है ये, आराम से इस रूम में दो लोग अगर ज़रूरत पड़े तो तीन भी इस पर रह सकते हैं। और इसमें भी अटैच, यहाँ पे एक अटैच बाथरूम है अंदर ही, ये देखिए बढ़िया टॉयलेट वेस्टर्न है इसमें, और अटैच भी यहाँ पे सिंक लगा हुआ है। सो काफ़ी अच्छा है ये। और सिमिलरली इसके बगल में एक और रूम है इसी कॉटेज में, तो आइए उसको भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये भी सिमिलरली वैसे ही है, उसी का कॉपी है, बट अभी लॉक हो रखा है, शायद कोई इसमें होगा इसलिए रूम लॉक है, बट सिमिलरली है जैसे वो है बगल वाला भी आपने देखा, सेम उसी की तरह ये भी रूम है। और इसके बगल में एक और नॉन एसी टेंट है जो कि हमने, जिसमें हम रुके हुए हैं इस टाइम पे, हमने ले रखा है वो। आइए आपको उसका पूरा इनसाइड टूर भी उसका हम आपको दे देंगे टेंट का। तो ये है हमारा टेंट जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं, और जैसा कि आपने उधर भी टेंट में देखा यहाँ पे भी एक खाट पड़ी हुई है और दो चेयर है। भाई आपको अंदर का, यहाँ पे ऐसे ये जिप लॉक होता है, आप इसको ओपन करके टेंट के अंदर जा सकते हैं। यह है टेंट, हमारा लगेज अभी पड़ा हुआ है इसमें तो पूरा है। यह रूम इतने, ये भी काफ़ी स्पेशियस है टेंट भी, और यहाँ ये नॉन एसी है, बट इसमें इन्होंने फ़ैन दे रखा है इनकेस अगर दोपहर में आपको गर्मी लगती है आप फ़ैन चला सकते हैं। इधर बैक साइड में दो विंडो भी हैं, वो उसी टेंट में ही है। और अभी इस समय हम हैं डाइनिंग एरिया पे, ये इंडोर डाइनिंग एरिया है, इनकेस बहुत ज़्यादा धूप होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप इंडोर डाइनिंग एरिया में बैठ के भी अपना लंच या डिनर कर सकते हैं। और एक डाइनिंग एरिया की फैसिलिटी बाहर भी है ओपन में, ये सर्दियों के टाइम पर बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ओपन में आप बैठ के ईजिली नेचर के बीच में अपना ब्रेकफास्ट लंच या डिनर एंजॉय करते हैं। और अभी जिस जगह पर हम हैं दोस्तों इसे सिटिंग एरिया कहते हैं, आप यहाँ पर आराम से बैठ के अपना एक फन टाइम या लेजर टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। शाम को अपनी इवनिंग टी यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। चेयर्स भी, ये खाट भी पड़ी हुई है, यहाँ पे छोटे से झूले भी पड़े हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा सा रिसोर्ट वाला फील आता है। और बगल में ये देख रहे हैं आप इस समय जो कि ये पूरा आम का एक बाग है, वो भी इसी प्रॉपर्टी ओनर का ही है, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है ये आम का पूरा बाग है। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं वॉक के लिए, और ये बाग की जो बाउंड्री है वो जो गिर फॉरेस्ट है उससे टच करती है, तो आप इस पर भी एक वॉक कर सकते हैं शाम को, और बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर आप ना स्पेंड कर सकते हैं। हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल, इन्होंने गार्डनिंग भी कर रखी है टेंट्स के आसपास। और अभी जिस तरफ हम जा रहे हैं ये पूल एरिया है, आपको पूल भी दिखाते हैं, पूल भी है इसी प्रॉपर्टी में।
तो ये काफ़ी बड़ा पूल है, दो सेक्शन में है, किड्स के लिए भी है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए छोटा पूल है, और आप बड़ों के लिए एडल्ट्स के लिए ये एक पूल है। काफ़ी अच्छा पूल है, बढ़िया है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये पूल हफ्ते में दो बार क्लीन करा जाता है, फ्रेश वाटर भरा जाता है, साथ ही इसमें कोई भी क्लोरीन का यूज़ नहीं होता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो विदाउट क्लोरीन एकदम फ्रेश ग्राउंड वाटर इसमें वीक में दो बार क्लीन करके फिलअप करा जाता है। सो फ्रेंड्स, जो अभी तक हमने आपको दिखाया वो रिसॉर्ट का मेन एरिया था, जहाँ पर स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया वो सब था, और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस प्रॉपर्टी से अटैच ही ये पूरा एक आम का बाग है। सो ये भी प्रॉपर्टी इन्हीं की है जिनका ये रिसॉर्ट है। सो आप चाहें तो यहाँ पर भी वॉक के लिए आ सकते हैं सुबह या शाम को, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, ग्रीन है, पीसफुल है, आम के पेड़ हैं, तो आप इवन अगर गर्मियों में भी आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि पेड़ की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर उतना हाई नहीं लगता है, और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है कि आप यहाँ पे काफ़ी देर स्पेंड कर सकते हैं, अपनी बैठ सकते हैं काफ़ी टाइम तक, अपनी मॉर्निंग टी या नॉर्मल आप वॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे सर्दियों में। इस पूरी प्रॉपर्टी में काफ़ी बड़ा बाग है, आप बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इस प्रॉपर्टी का पूरा टूर, और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि जिससे अगर आपको आना हो कभी यहाँ पे बुक करना हो तो आप इसको ईज़िली बुक भी कर सकते हैं। टैरिफ डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। सो अब इसके बाद हम जाएंगे अपनी सफारी के लिए, और फिर हम थोड़ी देर में आपको अपनी सफारी के टाइमिंग पर वहाँ पर मिलेंगे, और आपको पूरी सफारी का भी एक अच्छा सा वीडियो दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था रिसॉर्ट का वीडियो। अगर आपके रिसॉर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।